जुले डियर स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर फिफ्थ एल्डिहाइड्स, डिहाइट एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाला यूनिट लेके मैं फिर एक बार आपके सामने पेश हुआ हूँ तो डियर स्टूडेंट्स वी डिस्कस्ड ये अबाउट द रिएक्शंस। मोस्ट प्रोबेबली हमने थोड़ा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बारे में और जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ था विद द एलिमिनेशन ऑफ सिंपल प्रोडक्ट्स है ना और कार्बोनाइल का जो ऑक्सीजन एलिमिनेट हुआ था सो so, कल हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे एल्डिहाइड्स uh, का छोड़ा था और हमने एक चीज प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था कि एल्डिहाइड्स जो था एल दिस रिड्यूस टोलिनट रिएजेंट, एंड फेलिंग सल्यूशन फेलिंग सल्यूशन एल्डिहाइड्स जो है वो टोलिन रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन दोनों को रिड्यूस करता है और कीटून्स ऐसा नहीं कर पाता आज हम डिस्कस करेंगे कीटून्स ऐसा नहीं कर पाता और हम ये भी डिस्कस करेंगे वाई कीटून्स आर नॉट एबल टू तो रिड्यूस दीज एजेंट्स और मैंने इन रिएजेंट्स को कल भी डिस्कस किया था टोलिन रिएजेंट एमोनिकल सोल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट का और फेलिंग सोल्यूशन ए और बी होता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ए

सिल्वर का जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपने पढ़ा है उस टाइप का है, जिसमें अब क्या करेगा एल्डिहाइड जो है मैं इसको थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर बनाऊ एल्डिहाइड का जो ये हाइड्रोजन है इट प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रिडक्शन ऑफ दीज रिएजेंट्स तो प्रोडक्ट क्या बनेगा ये जो एल्डिहाइड है इट गेट्स रिड्यूस्ड इनटू सॉरी ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक सॉल्ट राइट कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बनेंगे एनएच फोर पॉजिटिव अमोनियम सॉल्ट ऑफ एसिड इसके बाद और एक प्रोडक्ट बनेगा सिल्वर राइट प्लस अमोनिया भी रिलीज होंगे यहां पे और साथ साथ वाटर भी रिलीज होंगे तो ये सब बाई प्रोडक्ट्स है बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसने इसको क्या किया है रिड्यूस किया है जब इसने सिल्वर दिया तो इस पे ये एलिमेंटल फॉर्म में है इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगा कोई भी अब इसको जो इलेक्ट्रॉन उसने पहले लॉस किया हुआ था वो उसको अब मिल चुका है किसने दिया है एल्डीहाइट ने दिया है इसको तो दैट मीन्स इसको क्या किया है रिड्यूस किया है तो ये uh, नहीं कर पाता है ना तो सिंपल इसी तरह फेलिंग सोल्यूशन का भी मैं एक रिएक्शन लिखू फेलिंग सोल्यूशन का लाइक दिस फेलिंग सोल्यूशन में uh, आपको मैं बता दूं पहले एल में लिखूंगा सी एच थ्री सी डबल बोन्ड ओ एच इथेनल राइट और फेलिंग सोल्यूशन uh, आपको पता है मैंने कल भी बोला कॉपर सल्फेट uh, के कंप्लेक्स है और ओ, ओ, है ना कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉम्प्लेक्स दोनों कंबाइन होकर ए भी बनाता है तो इसमें जो कॉपर पे ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज प्लस इट अगेन इन द फॉर्मेशन ऑफ ये कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बनेगा लाइक दिस सी एच थ्री सी डबल बोन ओ ओ नेगेटिव और अगेन ये जो एच है इट ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिड्यूसिंग दिस और ये जो सी यू टू प्लस है ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन होता है इसको कप्रस ऑक्साइड कहा जाता है या क्यूप्रस ऑक्साइड या कप्रस ऑक्साइड ओ का प्रस ऑक्साइड बाकी आप प्रोडक्ट लिखो वाटर भी बनेगा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ये वाला है कॉपर यहाँ पे प्लस टू में है फेलिंग सोल्यूशन कल मैंने टेस्ट ट्यूब लेके एग्जाम्पल बताया अब इस एल्टी ने इसको रिड्यूस करके प्लस वन में कर दिया है प्लस टू से प्लस वन में चला गया है यहाँ पे प्लस वन से जीरो में चला गया है दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है रिडक्शन हुआ है और इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के हिसाब से भी यही था कि रिडक्शन इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व द गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर गेन करे तो वो कौन सा प्रोसेस होता था रिडक्शन होता था तो दैट मीन्स रिडक्शन होता था तो ये जो रियजेंट्स है इट एक्ट्स एस एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है तो दैट मीन एल्डिहाइड्स जो है रिएजेंट और फेलिंग को रिड्यूस करता है और इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है आपको मैंने बोला था टेस्ट ट्यूब में रिएजेंट को एल्डिहाइड में मिक्स करने से उसमें सिल्वर मिरर का एक इमेज फॉर्मेशन होगी दैट इंडिकेट्स कि वो एल्डिहाइड है अगर कुछ चेंजिंग नहीं हुआ दैट इंडिकेट्स कि वो कीटोन है सेम इज द केस फेलिंग सोल्यूशन में फेलिंग सोल्यूशन में रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट्स आते हैं तो दैट इंडिकेट्स कि फेलिंग uh, सोल्यूशन को एल्डिहाइड डालने के बाद सॉरी एल्डिहाइड में फेलिंग सोल्यूशन डालने के बाद अगर वो रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट बने दैट इंडिकेट्स कि वो एल्डिहाइड है अदरवाइज वो कीटोन है सो इट सिंपली गिव्स अस डिस्टिंग डिस्टिंगशन बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटून और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो कि कौन एल डी है और कौन कीटून्स हैं और याद रखना कि ये जो रिएक्शन है इट ओनली शोन बाय एल्डिहाइड्स और कीटोन शो नहीं करता अब सवाल होता है सर कीटोन क्यों शो नहीं करता ये मेन वही कारण है बिकॉज एल्डिहाइड डी रिएजेंट और फेलिंग uh, सोल्यूशन को क्यों uh, रिड्यूस नहीं करता तो सिंपल आंसर है कि इसमें एक ये वाला डायरेक्टली अटेच हाइड्रोजन होना चाहिए जो कि कीटोन में नहीं होता कीटोन में ये डायरेक्टली अटैच नहीं है आप कन्फ्यूज मत होना इस तरह है ना राइट बट एल्डिहाइड में डायरेक्टली अटैच था वो क्यों होता है फिर वो बेसिक आपको बाद में पता चलेगा तो आप सिंपल याद रखना कि एल डी हाइट्स इनके टूं इव इन एरोटिक एल्डीहाइट्स भी एरोमेटिक मींस बेंजीन पे सी एच ओ दैट इज बेंजल डीहाइट कहा जाता है वो भी और इसको रिड्यूस करता है तो दिस इज ऑल अबाउट सम पॉइंट प्रैक्टिकल नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक

एसेट्स और बेसिस बेस Base के प्रेजेंस में भी होता है एसेट के प्रेजेंस में भी होता है जब ये कंबाइन होके टू फॉर्म प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनाता है बट विद एलिमिनेशन साथ साथ इलिमिनेशन भी होता है ऑफ सिंपलर प्रोडक्ट्स छोटे छोटे प्रोडक्ट्स भी इलिमिनेट होता है लाइक वाटर अमोनिया एच है ना तो ऐसे ऐसे सिंपल प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है मेन प्रोडक्ट्स को से इन एडिशन टू मेन प्रोडक्ट छोटे छोटे कंप्लेक्स सिंपल मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे तो ऐसे रिएक्शंस को हम कंडेंसेशन रिएक्शंस बोलते हैं लेकिन आपके सिलेबस में एल्डोल कंडेंसेशन ऐड करूंगा एल्डोल कंडेंसेशन सबसे पहले मैं एल्डोल कंडेंसेशन को एक्सप्लेन करने से पहले आप सबकी खिदमत में एक सिंपल कंसेप्ट बोलूंगा लाइक like दिस ये आपका एल है सी एच ओ ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है जब भी एल के साथ और एक कार्बन अटैच हो लाइक दिस वन इस इस पे कार्बन को हम कहा जाता है अल्फा कार्बन राइट फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के साथ डायरेक्टली जो अटैच कार्बन है दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन एंड अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं दैट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन राइट अल्फा हाइड्रोजन एंड द प्री रिक्वेस्टेड कंडीशन एल्डोल कंडेंसेशन मेरा टॉपिक है आज एल्डोल कंडेंसेशन कंडेंसेशन रिएक्शन मैंने आपको बोला आज हमारा टॉपिक है एल्डोल ए एल डी ओ एल एल्डोल कंडेंसेशन 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 रिएक्शन आपने आ, 11th में बेसिक्स पढ़ा है एल्डोल एल्डोल के लिए प्रीरिक्विजिट कंडीशन मैंने बोला कि सबसे पहले अल्फा कार्बन होना चाहिए है ना है और उस अल्फा कार्बन हाइड्रोजन पे सॉरी उस अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए और मैं कहूंगा एटलीस्ट वन हाइड्रोजन होना चाहिए है ना अगर एटलीस्ट एक हाइड्रोजन हो तो दैट एल्डिहाइड्स या दैट कीटून शोस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है एल्डोल कंडेंसेशन कुछ नहीं है सिंपल मैं फिर बोलू दो एल्डिहाइड्स या सिमिलर या डिफरेंट या दो किटून सिमिलर या डिफरेंट बट उन एल्टीहाइड्स और उन किटून के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए राइट एटलीस्ट एक के पास हो क्योंकि यहां पे दो कंबाइन होना है ना, उन दो में से एटलीस्ट एक एल्टीहाइड या एक कीटोन पे कौन सा हाइड्रोजन होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन जैसे कि ये वाला अल्फा हाइड्रोजन नहीं है यहां पर मिसमेच नहीं करना दिस हाइड्रोजन इज नॉट अल्फा हाइड्रोजन बट दिस हाइड्रोजन आर दिस वन दिस वन दिस वन दैट इज एल्डिहाइड कंटेन्स थ्री अल्फा हाइड्रोजन तो ये अल्डोल रिएक्शन शो करेगा तो आपको मैं चीज बता दूं आपको कंडीशन पता चल गया कि कौन अल्डोल कंडेंसेशन शो करता है मैं आपको सिंपल आपको एल्डिहाइड एक बता दूं लाइक दिस बेनजीन पे आपको पता है सी डबल बोन्ड ओ एच राइट इसे आप कहते हो बेनजल डिहाइट बेनजल डिहाइट राइजेस सर क्या बेनजलेशन रिएक्शन शो करेगा तो आप कहेंगे नहीं वाई बिकॉज जो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है रिमेंबर इधर तो हाइड्रोजन नहीं है ना है ना क्योंकि चलो मैं इस डी लोकलाइजेशन को इस तरह भी डिस्कस करू दिस वन डबल अल्टरनेट डबल सिंगल हाइड्रोजन सिर्फ इन पे राइट एच 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 और इस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है बिकॉज इसने चार बनाया हुआ है, तो दैट इज नॉट शो एल्डोल लिए अल्फा हाइड्रोजन का होनाशन तो so, अब एल्डोल कंडक्शन क्या है मैं इधर लिखू सी एच थ्री सी डबल बोन ओ एच That is, myth, it. Ethanal. Ethanal. Right? Ethanal. Ethanal को चलो मैं और एक Ethanal लूंगा. CH3, 3 को मैं इस तरह लिखूंगा एच टू सी डबल बोन ओ और एच ये भी इथेनल है सी एच थ्री को मैं जानबूझ के इस तरह लिख रहा हूं दिस इज ऑल्सो इथे नल ये दो रिएक्शन कंबाइन होंगे दोनों सिमिलर लिखा इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड एन एच दलगड़ी बेस एसिड के प्रेजेंस में भी आप कर सकते हो तो जब एसिड के प्रेजेंस में करोगे तो आप बोलोगे एसिड कैटेलाइज एल्टोल कंडेंसेशन जब आप बेस के प्रेजेंस में करोगे तो उसे कहेंगे बेस केटेलाइज एल्टोल कंडेंसेशन और कैटेलिस्ट का आपको रोल पता है वट इज द मेन रोल ऑफ कैटेस्ट की रिएक्शन को फास्टअप करता है ट्रांजिशन एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है और कैटेस्ट का मेन रोल ये भी होता है कि कैटलिस्ट स्पेसिफिक होता है तो इसके लिए प्रोडक्ट तो इस क्या बनेगा दिस दिस वन एल दिस एल वाला जो ये डबल बॉन्ड है ये ओ OH में कन्वर्ट होगा किस में ओ OH में अब इस तरह याद रखो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और इस पे जो ऑक्सीजन है और ये वाला हाइड्रोजन है ये इधर आएगा मान लो आप इसकी तरह मान के चलो एच और इधर ऑलरेडी क्या है एच है और इसके साथ ये जुट जाएगा क्या बचा इधर सी एच टू बचा और सी डबल बॉन्ड ओ और एच वन राइट ये वाला प्रोडक्ट बना अब इस प्रोडक्ट को आप सिंपल नाम देख सकते हो ये वाला देखो फंक्शनल ग्रुप ये हुआ प्रियोरिटी एल्डिहाइड को मिलेंगे इस इसपे दो फंक्शनल ग्रुप आए एक एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है इसके साथ देखो लाइक दिस एल्डिहाइड एंड दिस इज अल्कोहल ग्रुप क्लियर ग्रुप OH ना इसीलिए इसे क्या कहा गया है एल्ड एल्ड फॉर एल डी ग्रुप एंड ओल फॉर ऑक्स अल्कोहल ग्रुप राइट ये प्रोडक्ट बना अब इसको कॉमनली कॉमनली नाम इस तरह देख सकते हो ये अल्फा कार्बन है डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप के साथ ये डायरेक्टली अटैच है ये बीटा कार्बन है और बीटा पे क्या है बीटा पे ओ OH एच है ओ OH एच को आप बोलते हो हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी और ये पूरा ग्रुप क्या है एल बीटा हाइड्रोक्सी डी

शो करेगा एटलीस्ट एक मॉलिक्यूल पे होना चाहिए तो ये फर्दर ऐसे नहीं रहेंगे ये फर्दर और रिएक्शन करेंगे जब हम इसको क्या करेंगे एसिड एसिड के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव अगेन पे मैंने जो H लिखा, और पे जो लिखा दैट इज और है इसको मैं इस तरह लिखूं इस एच को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं लाइक like दिस तो ये एच प्लस एक्चुअली यहां पे आएगा मैं मैकेनिज्म में समझाऊंगा इसका मैकेनिज्म भी आपके सिलेबस में है एक्चुअली ये वाला एच इधर आके यहाँ पे एच टू बनेगा यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा मैं किस तरह रिलीज होता है वो मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा माइनस एच टू ओ रिलीज हुआ और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो लाइक दिस सी एच थ्री सी एच सी एच और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेंगे कैसे बनता है मैं तो आपको दिखाऊंगा सी एच सी एच और बाकी ये मैं इस तरह लिखूंगा सी एच ओ तो इसको ये वाला अल्फा हो गया ये वाला बीटा हो गया ये वाला गामा क्योंकि ये सी एच ओ तो फंक्शनल ग्रुप है तो इसको हम लिखते हैं अल्फा बीटा, बीटाचुरशन हुआ किसकी एलिमिनेशन हुई सिंपल प्रोडक्ट लाइक वाटर की तो दिस ऑल अबाउट द एल्डोल कंडेंसेशन राइट मैं फिर एक बार डिस्कस करूंगा व्हाट इज कंडेंसेशन रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स द condensation of two simple similar or different aldehydes or ketones but having alpha hydrogen why alpha hydrogen because alpha hydrogen ki acidity ke discuss mechanism alpha hydrogen hona chahiye. it combines or it condenses in the presence of alkali as well as acid Ab, I acid uh, alkylia, NaOH sodium hydroxide it results in the formation of beta hydroxy aldehyde या बीटा अभी मैंने नहीं लिया, राइट? फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसेड कंपाउंड्स और मैंने पहले भी आपको बोला था एलिमिनेशन ऑफ सिंपल प्रोडक्ट इलेमिनेशन यहाँ पे वाटर होगा तो दिस इज ऑल अबाउट दोल कंडेंसेशन, राइट स द मैकेनिज्म ऑफ एलडोल कंड हाउ इट इट इज मैकेनिज्म मैकेनिज्म तरह होता है राइट right? सबसे पहले मैकेनिज्म में मैं इस तरह लिखूं इट इन्वॉल्व टू स्टेप सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किस तरह मैं दिखाऊंगा सेकंड पे डिहाइड्रेशन होगा डी हाइड्रेशन प्रोसेस व्हाट इज डिहाइड्रेशन आपको पता है डिहाइड्रेशन इज द लॉस ऑफ वाटर वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है तो मैं सिंपल एक मैकेनिज्म इस तरह लिखूं लाइक like दिस आपको सबसे पता है एन ए ओ एच एन ए पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव फॉर्मेशन ऑफ एन एच नेगेटिव नाउ दिस ओ एच एक्ट इज ए बेस राइट आपको पता है मैं एक एल्डीहाइट का मॉलिक्यूल लूंगा सी डबल बोन्ड ओ एच यह आपका एल्डीहाइट हुआ राइट और इस पे एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए मैं तो तीन हाइड्रोजन बना रहा हूं लाइक दिस सी एच थ्री सी एच ओ इसका नाम क्या है इथेनल राइट सबसे पहले इथे जो है ये जो ओ एच माइनस है बेस वाला इट एब्सट्रैक्ट ए प्रोटोन ये एक प्रोटोन को एब्सट्रैक्ट करता है अल्फा ये वाले प्रोटोन को क्योंकि इनकी एसिडिक करेक्टर बहुत ज्यादा होती है इनकी एसिडिक करेक्टर एसिडिटी की वजह से इसीलिए मैं इधर लिखूं एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी के बदौलत अल्कली अलक्लक्स जो एल्डिहाइड्स और टोन है वो अल्क्स के साथ रिएक्शन करता है इसकी एसिडिक करेक्टर क्यों बढ़ती है मैं अभी बता दूं ओ OH एच जो है एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है अब इस ओ OH एच को ये एच किस के फॉर्म में चाहिए माइनस के फॉर्म में चाहिए राइट और सॉरी ये एच प्लस के फॉर्म में चाहिए बिकॉज ऑलरेडी ये माइनस है तो ये जब प्लस के फॉर्म में चाहिए तो ये बॉन्ड इधर छोड़ के आएगा किसके पास छोड़ के आएगा कार्बन के पास रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ दिस ही हाइड्रोजन बचा और, इस क्या चार्ज आया? चार्ज. और नेगेटिव चार्ज का मतलब दो इलेक्ट्रॉन होता है राइट सी डबल बॉन्डो एच और डीयर स्टूडेंट्स दिस इज कार्बो एनाइन आइन आपको बताया ना कार्बो एनाइन क्या होता है कार्बन पे नेगेटिव चार्ज को कार्बो एन कहा जाता है और इसको कॉमनली इनोलेट आयन भी कहा जाता है इनोलेट आयन ठीक इन इन आयोपिक रिकमेंडेड डोमन क्लेचर में अल्किन को कहा जाता है और अब इसका नाम किस तरह इनोलेट बना लाइक like दस ये नेगेटिव इधर से इधर जा सकता है डबल बॉन्ड एंड दिस जो ये पाई बॉन्ड है इट गेट्स मूव टू दिस ऑक्सीजन एंड इस फिनोमिना को आप रिजोनेंस भी बोलते हो और यहां एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सी एच टू डबल बोन्ड सी सिंगल बोन्ड ओ इज स्टेबल बिकॉज इट गेट्स रिजोनेटेड ये रिजोनेस हो रहा है और आपको पता है रिजोनेंस फिना से कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ती है तो दैट मीनस बेस ने एब्स्ट्रैक्ट किया क्या एब्स्ट्रैक्ट किया एच एब्स्ट्रैक्ट किया तो क्या बना एच प्लस यहां से निकला है और माइनस कंबाइन होकर क्या बनाता है एच टू ओट मीन पहले स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो गया देखो एच टू ओ माइनस एच टू ओ वाटर बाद में मदद भी करेगा अगेन तो ये इनोलेट फॉर्मेशन हुआ तो फर्स्ट स्टेप द फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आइन विच एक्स एस ए न्यूक्लियोफाइल आल्सो माइनस चार्ज को क्या कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है और इनोलेट आइन बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है तो पहला मैकेनिज्म में मैं आपको मैंने आपको बताया कि इनोलेट फॉर्मेशन हुआ राइट और इनोलेट फॉर्मेशन हुआ तो ये इनोलेट पहला जो मॉलिक्यूल है मैंने दो मॉलिक्यूल 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 लिया एक एक इनोलेट बन चुका अब और एक है ना दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा दूसरा मॉलिक्यूल ये है आपका सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच ये दूसरा मॉलिक्यूल है ना हमने दो मॉलिक्यूल लिया था और पहला मॉलिक्यूल ये इनोलेट बन चुका कौन सा दिस वन सी एच टू माइनस सी एच ओ यही है ना सी एच ओ दिस वन राइट और ये माइनस अब क्या करेगा दिस बॉन्ड गेट्स डिस्ट्रक्टेड टू दिस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इस पे क्या चार्ज आएगा स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये जो इनोलेट है इट अटेक्स ऑन दिस कार्बन इस कार्बन पे अटेक करेगा तो कौन सा फॉर्मेशन हुआ देखो सी एच थ्री मैं पहले इसको लिखू सी एच थ्री सी नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया राइट और इधर एक एच है ये वाला एच इस पे कौन सा अटैच हुआ सी एच टू सी एच टू और सी एच टू के साथ एक फंक्शनल ग्रुप OH, ये बना राइट और बाद में लास्टली मैं अभी आ, बता दूं आपको मैंने पहले स्टेप में एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस होते हुए देखा था H2O वो फिर अब आएगा प्लस मैं ऐड कर रहा हूँ वाटर वाटर फिर आएगा और वाटर से अगेन वो एच लेगा कौन सा ये माइनस ऑक्सीजन पे जो माइनस है वो इस वाटर से क्या लेगा एच लेगा एच पॉजिटिव लेगा तो जब एच पॉजिटिव लेगा तो बचा क्या माइनस अगेन ओ एच माइनस निकल गया देखो माइनस ओ एच लिखूंगा मैं वाटर एड किया और ओ एच माइनस निकल गया वाटर से जो एच प्लस है वो यहां पर चला जाएगा बिकॉज इधर माइनस चार्ज है तो क्या बना सी एच थ्री सी ओ एच यहाँ पे ओ एच और एच तो यहाँ पे है और सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ और एच तो हमारा प्रोडक्ट बन गया देखो ये फंक्शनल ग्रुप है इस वाले कार्बन को अल्फा कहा जाता है इसको बीटा कहा जाता है इसको गामा तो बीटा पे क्या है ओ एच है तो आपका आ गया बीटा हाइड्रोक्सी ओ एच को आप क्या लिखते हो हाइड्रोक्सी और ये पूरा क्या है एल डी हाइट एल डी हाइट तो ये आपका आ गया प्रोडक्ट इसके बाद फर्दर रिएक्शन होता है एसिड के प्रेजेंस में वो हम कल डिस्कस करेंगे तो इन दिस वे द मैकेनिज्म टेक्स प्लेस राइट अब अभी पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ है देखो ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है मैं फिर एक बार इधर डिस्कस करूं ये जो माइनस है इट एक्ट जैसे न्यूक्लियोफाइल राइट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ यहां पर एड हुआ और न्यूक्लियोफाइल एड होने के बाद जो वाटर पहले स्टेप में जो ओ एच ने अप्रक्ट करके वाटर लाया था वहां से H प्लस लेके यहाँ पे OH बना और फिर इधर फिर वाटर मॉलिक्यूल लॉस होंगे एंड हाउ वाटर मॉलिक्यूल लॉस वो हम मैं कल डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में तो इन दिस वे अवर टॉपिक कम्स टू एंड एंड तो इनशाला कल हम इसके बाद थोड़ा और बढ़ाएंगे कि इसके बाद अल्फा हाइड्रोक्सी एल्टी हाइट है कि भी हो सकता है तो आप बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन भी लिखोगे और आप ये सैम्पल कॉमन नेम है आप आई रिकमेंडेड नाम भी लिख सकते हो नंबरिंग देखें वन टू थ्री दैट इज़ थ्री दिस दैट ये भी आप लिख सकते हो इसका नाम क्या हुआ वन टू थ्री फोर थ्री पे हाइड्रोक्सी है तो थ्री हाइड्रोक्सी मेथ एट प्रॉप ब्यूटेनल तो इन दिस वे अवर टॉपिक कम्स टू एन एंड और कल मैं डिस्कस करूंगा कि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से किस तरह डिस्कस होता है थैंक यू हैव हैवे नाइस डे